Hello students, welcome back to HR classes. Today we are going to continue our third chapter from this topic, the aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Crabs, turtle, ducks, fishes, whales and dolphins are some examples of aquatic animals. देखिए, जो पानी में रहने वाले animals होते हैं उन्हें कहते हैं aquatic animals. जैसे आपको कुछ example दी गई हैं, क्रैब, टर्टल, डक, फिश वगैरह. एक्वेटिक एनिमल्स आर अडेप्टेड टू मूव इजीली इन वाटर, ब्रीथ इन वाटर, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन देयर बॉडीज. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, उनकी जो खासियत होती है कि वो पानी में इजीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सांस ले सकते हैं पानी में, और उनकी बॉडी इस तरह से ढली हुई होती है कि वो अपने आप में पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती, सोखती नहीं. अगर पानी अब्जॉर्ब हो गया उनकी बॉडी में तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. इसीलिए उन एनिमल्स की बॉडी कुछ इस तरह से बनी होती है कि ताकि उनकी बॉडी जो पानी को अब्जॉर्ब ना कर सके. क्रैब्स हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर. जैसे हमारे लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, ऐसे क्रैब्स जो हैं उनमें गिल्स होते हैं ताकि वो अंडर वाटर सांस ले सकें. टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स विच वाइल डक्स हैव वेब्ड फीट. जो टर्टल्स होते हैं उनमें पैडल लाइक लिम्स, पैडल मतलब समझते हैं जैसे साइकिल में पैडल होते हैं आगे पीछे मूव करने के लिए, जबकि डक्स जो होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड मतलब जालीदार फीट होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर ईजिली मूव कर सकें. दैट हेल्प देम टू मूव ईजिली इन वाटर. फिशेज हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन मतलब ऊपर ऊपर जो धारियाँ लाइन्स बनी होती हैं. इट हेल्प मूव ईजिली इन वाटर. फिशेज की स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण वो वाटर में ईजिली मूव कर सकती हैं. देयर फिन्स हेल्प देम टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर. जो फिशेज के फिन्स होते हैं, जो आसपास पंख लगे होते हैं बॉडी के, वो उन्हें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. देयर टेल हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन इन वाटर. अगर किसी फिश ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो अपनी पहले टेल को घुमाएगी. दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. जैसे हम लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, फिशेज क्रैब्स वगैरह किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं, गिल्स. गिल्स टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है गिल्स उसको अंदर लेने का काम करते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग. वेल्स एंड डॉल्फिन्स के हमारी तरह ही लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए. क्यों? क्योंकि ये जब पानी के ऊपर आती हैं तब ऑक्सीजन अंदर ले जाती हैं. दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग. Aquatic animals spend their entire life in water. Their body is adapted for staying under water. जो aquatic animal होते हैं उनकी body कुछ इस तरह से adapt की होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी life under water spend कर सकते हैं. The body of a fish is covered with scales that are waterproof. Fish की body scales से cover होती है, वो waterproof scales होते हैं ताकि उसकी body जो है water को absorb ना कर पाए. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एम्फीबियंस. एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी. टॉड्स, सलमेंडर्स एंड फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मगरमच्छ होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और जो है हमारा ज़मीन पे भी रह सकते हैं. ऐसे ही जो फ्रॉग होता है, टॉड होता है, वो भी पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी. तो इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ऑन लैंड एम्फीबियन ब्रीथ विद देयर लंग्स. जब लैंड पे आ जाते हैं तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. इनके गिल्स नहीं होते क्योंकि इनके लंग्स होते हैं, और पानी में जाने के बाद ये लंग्स से ब्रीथ नहीं कर सकते जो, तो ये अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं. These animals have fold of skin between the fingers of their feet. इनकी जो feet होते हैं, पैर होते हैं, उनमें skin के बीच fold होता है ताकि ये webs बना सके. उन folds को webs कहते हैं. वो webs का काम होता है इनको पानी में आसानी से चलाना. Their feet help them to swim in water ताकि ये पानी में डूबे नहीं.
अगर वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्बोरियल एनिमल। थैंक यू।